रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी लाजिम कर लें, ताकि आपको तमाम वीडियो हमारी मिलती रहे और जो भी हम अमल आपको बताते हैं वो भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिलता रहे। आज जो अमल मैं आपको बताने लगी हूँ, ये एक ख़ास अमल है और इसका तरीक़ा ख़ास है। छोटा सा अमल है लेकिन इसका कमाल और इसकी जो रहमतें और बरकतें हैं वो बहुत बुलंद है। ज़िंदगी में एक ही मर्तबा करने वाला ये अमल है। आपका प्यारा दुनिया में कहीं पर भी हो, आपसे दूर हो, किसी और मुल्क में हो, किसी और जगह हो, और आपकी मोहब्बत और चाहत में इतना अंधा हो जाएगा कि खुद हाजिर होगा और इंशाल्लाह आपसे दोबारा कभी दूर नहीं जाएगा। सबसे पहले जो भी ये अमल करते हैं, कौन कर सकते हैं, जो जिन लोगों ने ये अमल करना है उनमें से ख़वातीन, क्योंकि ख़वातीन के लिए अमल इसलिए मैं बताती हूँ कि वो बेचारी कहीं पर भी नहीं जा सकती, अपना दुख किसी से नहीं कह सकती। हाँ, एक जगह है हमारा मदरसा फातिमतुज़्ज़हरा आयशा सदीका, आप यहाँ पर फेसबुक पर या हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर बात कर सकती हैं, इंशाल्लाह आपकी मदद की जाएगी। बहनों के लिए हमारा इस्तखारा भी फ़ी सबीलिल्लाह है। अमल किस तरह करना है उसका तरीका आप गौर से सुन लें। पानी का एक गिलास लें, ठीक है, पानी का एक गिलास लें, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं उसका नाम और उसकी वालदा का नाम एक छोटे से कागज़ के ऊपर लिख लें। लिखने के बाद उसको आप पानी के अंदर छोड़ दें, ठीक है, लिखने के बाद उसको पानी के अंदर छोड़ दें। आपने सात मरतबा क्या पढ़ना है, या वदूदो, सात मरतबा या वदूदो पढ़ना है और पानी को हिलाना है। ये अमल आप तीन मरतबा करेंगे। पानी को चम्मच से हिला सकते हैं, पेंसिल की बैक साइड से भी, फ्रंट से मतलब कि हिला सकते हैं, जिससे आपको मुनासिब लगे, ठीक है। आप चम्मच से हिलाने ज़्यादा बेहतर है, या फिर लकड़ी की कोई स्टिक से हिला सकते हैं, ठीक है, आपने ये करना है। अब आपने जब पानी को हिलाया, कम अज़ कम ये अमल तीन मरतबा करेंगे, उसके बाद आप दुरूशी पढ़ें। दुरूशी पढ़ के आप दुआ मांगें और दुआ मांगने के बाद आप सो जाएं, कोशिश करें सो जाएं। अगर ये अमल रात को करें तो ज़्यादा मोतबर है, इशा की नमाज के बाद करें तो और ज़्यादा अच्छा है। रात को आप नाम अपने दिल में, जिसको आपने पुकारना है, जिससे आपने मिलना है, ठीक है, जिसको आपने मुसख़र करना है या बुलाना है, उसका नाम लेते लेते, अल्लाह का नाम लेते, दुरूशी पढ़ते पढ़ते आप सो जाएं, और इंशाल्लाह सुबह जो भी प्यारा जिसके लिए भी आपने अमल किया होगा वो हाजिर होगा। अगर वो दूर है तो वो ज़रूर आपसे रब्ता करेगा, वो बेचैन हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं है आपके प्यारों से आपको मिलाने की। अल्लाह के कलाम पढ़ा करें, ना कि तावीज़ात और ये जो तावीज़ गंडे होते हैं, इनसे दूर रहें मेरे प्यारे बहनों भाइयों, ये बहुत बुरी चीज़ है, ये आपको नुकसान पहुँचाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह खैरा।